आज से 19 अप्रैल तक आंशिक लॉकडाउन। बढ़ते हुए कोरोना के हालात देखते हुए राजस्थान सरकार ने उठाया बड़ा कदम। कक्षा 9वीं तक के स्कूल, जिम, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल बंद। कोरोना जारी है दूसरी लहर में रिकॉर्ड 1729 नए मरीज। राज्य सरकार ने की सख्ती। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के कहर ने फिर से लॉकडाउन की वापसी कर दी है। तेज से बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए अशोक गहलोत ने 5 अप्रैल से 19 अप्रैल तक प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आंशिक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया है। नगरीय सीमा में आने वाले स्कूल 9वीं तक के कक्षाएं नहीं चलेगी। सरकार 8वीं तक के बच्चों को अब सीधे 9वीं में प्रमोट करने के विकल्प पर भी विचार कर रही है। इसे लेकर जल्द ही शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के स्तर पर बैठक होगी। कॉलेज में अंतिम वर्ष को छोड़कर यूजी पीजी की नियमित कक्षाएं बंद रहेगी। यदि किसी शिक्षण संस्थान में कोविड का केस आता है तो उसे बंद किया जाएगा। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम, स्विमिंग पूल व मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्तर पर चर्चा के बाद रविवार को गृह विभाग ने इसके लिए संशोधन गाइडलाइन जारी कर दी है। शिक्षा विभाग की तैयारी, 8वीं तक के बच्चे सीधे 9वीं में प्रमोट हो सकते हैं। शादी में अधिकतम 100 लोग आ सकते हैं। सरकार 8वीं तक के बच्चों को अब सीधे 9वीं में प्रमोट करने के विकल्प पर भी विचार कर रही है। इस पर जल्द फैसला संभव है। सार्वजनिक कार्यक्रमों और शादी समारोह में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं। राजनीतिक, सामाजिक, खेल, मनोरंजन व शैक्षिक गतिविधियों में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं। धार्मिक स्थानों पर भी 100 लोग आ सकते हैं। रिक्शा में नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था लागू है। टैंक अवे डिलीवरी पर कर्फ्यू में छूट रहेगी। यदि किसी क्षेत्र अपार्टमेंट में 5 या इससे अधिक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं तो वो माइक्रो कंटेनमेंट जोन होगा। एरिया बिट कांस्टेबल इसकी निगरानी करेगा। जिन जगहों पर कोरोना के मामले ज़्यादा आ रहे हैं वहां के लोग अंतर्राज्यीय व अंतर जिला यात्रा नहीं करेंगे। हालांकि ये सिर्फ सवाल है। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए 72 घंटे पहले RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य होगी। इसके साथ ही प्रदेश में प्रवेश के बाद उसकी थर्मल स्कैनिंग भी की जाएगी। कर्फ्यू की समय सीमा बढ़ा सकते हैं कलेक्टर व कमिश्नर। प्रदेश में अभी 10 शहरों में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा है। जिस क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के मामले ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ कलेक्टर व कमिश्नर कर्फ्यू की समय सीमा बढ़ा सकते हैं। पहली बार BLO, शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, निकाय के सहयोग से टीकाकरण के लिए घर घर जाकर जागरूक करेंगे। इसी प्रकार की न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। MK न्यूज़ चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर।